Asalaamu As Alaikum, dear students. Welcome to my class. And in this video, we will be discussing a short story Colors of Rainbow. Vipkoer, a special name given to the colors of rainbow. The rainbow has seven colors: Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, and Red. This story is about the ups and downs of a couple who Always engage in small quarrels and arguments, and finally things settle at a lawful and joyful note. So, her couple keeps me ups and downs, hot air, her a life me. begin, Kesse deal Karna hair, ye seek The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were spotting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. A light breeze was blowing outside. I wrapped the bedsheet around me tightly while staying on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. Small paths of clouds were moving to and fro in the sky, and sometimes they covered the sun and it becomes cloudy, and sometimes the sun came out. Occasionally means now and then, yes, sometimes, kabi kabad. एवनिंग होता है एक कैनोपी uh, हम कह सकते हैं शेल्टर ठीक है या कवर खिड़की के ऊपर थोड़ा सा बाहर एक शेल्टर निकाल के होता है किसी का भी मटेरियल का ताकि जो बारिश के छींटे हैं या बारिश है वो डायरेक्टली खिड़की पे ना आए या सन की शेड डायरेक्टली खिड़की पे ना आए और खिड़कियाँ ख़राब ना हो जाए ठीक है यू कैन अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ओके देन वन मोर वर्ड इज़ देयर रैप्ड रैप्ड मीन्स कवर्ड और यू कैन से एन फाइन कॉट यू नो चारपाई पाई ऑब्लिवियस मीन्स इंसेंसिबल अनएवर अन हीडिंग यानि किसी चीज़ की ओर पूरा तवज पूरा टेंशन नहीं होना ठीक है टू एंड फ्रो मीन्स मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओके सो ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स अब हम समझते हैं स्टोरी इन दो पैराग्राफ्स में स्टोरी टेलर कहता है कि बारिश अभी अभी स्टॉप हुई थी और मैं खिड़की से झांक रहा था और जो बारिश की चीटें हैं वो कभी कभी कहाँ की ओर आ रही थी विंडो की ओर बादल जो हैं वो अब आसमान पे थे नहीं और सूरज निकल आया था और वो सूरज की किरने या जब सूरज चमकता है कब तुरंत बारिश के बाद तब बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम होता है बहुत ही ज़्यादा खुश इंसान होता है वैसा मौसम देख कर स्टोरी टेलर कहता है कि मैं नेचर की खूबसूरती पे मगन था डूब गया था थॉट्स में ठीक है और जो ही मैं बाहर देख रहा था खिड़की से वहाँ छोटे छोड़ छोटे चिली प्लांट्स थे जिन पे चिलीज़ थे अब और वहाँ से जो बारिश के कतरे हैं वो क्या कर रहे थे उन चिली प्लांट्स पे स्लाइड करके गिर रहे थे और सारा मेरा अटेंशन जो है वो कहाँ की ओर था इन्हीं बारिश के कतरों की ओर ठंडी ठंडी हवाएं हल्की हवाएं चल रही थी ब्रीज मीन्स हल्की हवा ठीक है और मैंने अपने आप को क्या किया रैप किया अपने आप को कवर किया बेड शीट से अपने आप को कवर किया जो ही मैं बैठा था किस पे चारपाई पे बच्चे जो हैं वो आ जा रहे थे खेल रहे थे ठीक है और बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहे थे लेकिन मेरा जो एटेंशन मेरा जो पूरा फोकस था वो उनकी ओर नहीं था मतलब आई वॉज़ इनसेंसिबल टूवर्ड्स दैट नॉइज़ ओके तो चिली प्लांट्स जो थे वो मगन से झूम रहे थे बारिश में ठीक है या इन हल्की हवाओं में ठीक है जो ब्रीज चल रही थी और जो बा, बादल के छोटे छोड़ छोटे पैचेस थे वो आगे पीछे आ रहे थे आसमान पे हम भी देखते हैं ठीक है कभी सूरज के सामने आ रहे थे ये जो क्लाउड्स थे और सूरज की किरणें क्या हो रही थी सूरज की जो शाइन थी वो नहीं दिख रही थी और कभी कभी ये बादल सूरज से हट रहे थे और शाइन पड़ रही थी ठीक है यानी धूप एंड ठाव नेक्स्ट पापा जी सी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी मुन्नी वॉज सेंग मी वेर इज इट डॉटर आई आस्ट देअ अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड रिप्लाइड मुन्नी तो इसकी बेटी आती है तो इसको पुकारती है कि वो देखो झूला गुड्डा गुड्डी का तो क्लिंग मीन्स ग्रिप पकड़ना ग्रेस्प करना ठीक है तो ये अपनी बेटी से पूछता है कहाँ है गुड्डा गुड्डी का झूला तो इसकी बेटी कहती है ऊपर आसमान पे देखो मल्टी कलर्ड झूला है ठीक है शी वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द रेनबो इज़ दट द स्विंग ऑफ गुड्डा I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it? If not theirs? तो ये अपनी बेटी से पूछता है ये झूला है गुड्डा गुड्डी का तो इसकी बेटी थोड़ा इरीटेट होके थोड़ा गुस्सा होके बोलती है हाँ अगर उनका नहीं है तो किसका है हु टोल्ड यू ग्रांड मा टोल्डास आई सी देन इट मस्ट बी सो आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई तो अपनी बेटी से पूछता है आपको किसने बोला कि ये गुड्डा गुड्डी का झूला है तो उसकी बेटी बोलती है ग्रांड माँ ने कहा तो उसके बाद वो रेनबो की ओर देख के बोलता है चलो अगर दादी ने कहा तो सही ही कहाँ होगा पापा जी आई डू वॉन्ट अ स्विंग यू कैन हैव दिस वन आई ट्राई टू पुट हर ऑफ तो इसकी बेटी भी बोलती है कि मुझे ये झूला चाहिए तो ये अपनी बेटी को बोलता है कि यही रख लो अपनी बेटी को डाइवर्ट करने के लिए या भगाने के लिए वो ऐसा कहता है दिस डजेंट हेल्प वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइंड तो इसकी बेटी बोलती है कि मैं ऐसी कोई चीज़ क्यों लूँ जो मेरी नहीं है i began wondering how wise the little one was muni kept talking of different things thereafter but i couldn't pay attention to all that i was lost in my own musings तो ये सोचने लगा कि ये जो छोटी सी बच्ची है कितनी चालाक है कितनी समझदार है मुनी ने उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की लेकिन पोय ये जो स्टोरी टेलर है ये कहीं पर मगन था अपनी ही सोच में डूबा हुआ था She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of Gudi and occurred when the sun came immediately after the rain. Seven colored, splendiferous, and lovely. And I thought I could become a Guddha and sway on the swing. And my grandmother would tell me, You are a Guddha, alright? And when your Gudti comes, then you will sway on this swing together. Then my Gudti came. I was married and I learned that my Gudi too had similar dreams. That when she would get married, her Guddha and she would sway together. But now we were grown up and our dreams of swaying together seated on the seven colored swing has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long and God knows of how many hills. Every day its चेंजड changed. So, storyteller यहाँ पर बोलता है कि कुछ देर बाद मुनि चली जाती है अपने सिबलिंग्स के साथ खेलने और ये सोचता है कि मेरी दादी भी मुझे कहा करती थी कि ये जो रेनबो है ये क्या है स्विंग है गुड्डा गुड्डी का जो तुरंत बारिश के बाद आ जाता है आसमान पे जब धूप निकलती है ये सात रंगी जो सेवन कलर्ड खूबसूरत रेनबो है तो ये सोचता था कि मैं गुड्डा हूँ और कभी मैं झूला झूलूंगा फिर इसकी दादी बोला बोला करती थी कि यू आर आ गुड्डा एंड सून योर गुड्डी विल कम देन यू बोथ विल स्विंग टुगेदर ऑन दिस ऑन दिस स्विंग ओके तो गुड्डी आ गई इसकी लाइफ में नाउ ही वॉज मैरिड तो इसने जाना कि इसकी गुड्डी जो है उसके भी यही सपने थे कि जब उसकी शादी होगी तो वो और उसका गुड्डा इकट्ठे झूला झूलेंगे अब वो बड़े हो गए थे इनका जो सपना था झूला झूलने का इस रेनबो पे सेवन कलर्ड लवली स्विंग पे वो एक सपना ही रह गया हाँ अब इनके सामने झूला तो था लेकिन स्विंग ऑफ लाइफ बहुत लंबी जिंदगी और ऊपर वाले को ही पता था कि इसमें कितने कलर्स देखने बाकी हैं यानी यहाँ पर कलर्स का मतलब क्या है अप्स एंड डाउन्स और हर दिन इसका कलर लाइफ का कलर क्या होता था चेंज होता रहता था कभी धूप कभी छांव ऐसा कुछ बोल रहा है ठीक है यानी अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ फादर हैड पास्ट अवे बट मदर वॉज स्टिल विद अस Two of us with four kids with a limited salary. The kids were grown up and expenses were increasing. And what convolutions I had to undergo to meet the expenses. Giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. In father ki death ho thi ये कहते हैं कि हम दो और हमारे चार बच्चे थे लेकिन सैलरी उतनी ही थी बच्चे बड़े हो रहे थे खर्चे भी इंक्रीज हो रहे थे कन्वेलेशंस मीन्स कॉम्प्लिकेशन्स क्या क्या करना पड़ता था ताकि इनकी जो ज़रूरियात हो इनकी जो खर्चे थे वो पूरे हो जाए कभी ट्यूशन्स लेता था कभी टाइपिंग का कुछ काम करता था कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाते थे लेकिन ज़्यादातर दिन बहुत ही हार्ड होते थे स्प्लैश ऑफ रेन फ्लिव इन वेयर आई वॉज सीटेड इसी दौरान बारिश के कुछ चीटे वहाँ गिरते हैं जहाँ ये बैठा था द सन हैड गॉन बियड द क्लाउड्स एंड द विड हैड पिकड अप स्पीड आई क्लोज द विंडो इन द मीन वाइल माई वाइफ केम इन तो धूप चली गई थी फिर से बादल आ गए थे और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चल रही थी तो स्टोरी टेलर कहता है कि आप मैंने खिड़की बंद की और तभी मेरी वाइफ आ गई I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. What happiness I have! I got since I came to this house. I started working as soon I as I get up in the morning. I go on and on till late at night. सी व्हाट हैज हैप्पन टू माय हेल्थ विद लेंटल सूप एंड बुद्धि प्रकाश इसकी बीवी बोलती है मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ कि चाय पियो चाय पियो शायद तुम मुझसे तंग आ गए हो मैं भी कुछ कम तंग नहीं आई हूँ क्या खुशी मुझे मिली इस घर में आके जब ही मैं उठती हूँ तब से लेकर मैं रात तक सोने तक काम पे ही लगी होती हूँ देख लो मेरी हेल्थ को क्या हुआ है साधारण सा सूप ki help. I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. I got annoyed. I remember the tiff we had the day before. I lost sight of the seven colored swing and shouted, I don't want any tea. It's better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. Who the hell you are? Who the hell are you to tell me to have tea? तो कहता है कि मैं बैठा रहा कुछ नहीं बोला स्टंट मी शॉक्ट और मेरी वाइफ सब कुछ जो उसके मुंह में आया वो बोलती रही अब मुझे गुस्सा आ गया मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया और मेरे दिमाग में आ गया कि एक दिन पहले ही हमारा क्या हो गया था झगड़ा हो गया था वो जो एपिसोड था मेरे सामने आ गया और जो खूबसूरत नज़ारा था सेवन कलर रेनबो का स्वेंग का वो चला गया और मैं भी अब चिल्लाने लगा कि मुझे कोई चाय नहीं चाहिए तुम्हारे हाथों से चाय पीने से बेहतर है कि मैं पॉइजन पी लूँ ठीक है तुम्हारी जैसी औरत के हाथों तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली कि चाय पियो सेंग मी इन एन एंग्री मूड शी टर्न टू गो टू द किचन सेंग You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. तो मुझे गुस्से में देख के वो किचन में जाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें मेरे हाथों से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके हाथों से पी लो जो तुम्हारे फिकर करते हैं या जिनकी तुम फिक्र करते हो ठीक है इट टचड मी टू द क्विक ये बात इसको चुप गई इट वॉज़ अ न्यू एक्विजिशन i got up in a huff something had started brewing within just then my mother came in तो ये जो ये एक नया इल्जाम था और ये जल्दी में उठने लगा और कुछ पलाप रहा था बहुत ज्यादा गुस्सा इसके अंदर आ रहा था और उतने में ही इसकी माँ आती है why do you quarrel and hurt each other like this you are grown up now You should think about your children also. What impressions will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. तुम लोग आपस में इतना झगड़ा क्यों करते हो उसकी माँ बोलती है अब तुम बड़े हो गए हो बच्चों के बारे में सोचो उन पर क्या असर पड़ेगा वो क्या सीखेंगे क्योंकि जब पेरेंट्स को लड़ते हुए घर पे जैसा माहौल होता है बच्चे भी फिर वैसे ही बनते हैं ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर पे हेल्थी एनवायरनमेंट हो जाए जहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर एज ठीक है घर पे पेरेंट्स के बीच में जब अच्छे रिलेशंस होते हैं या किसी की जॉइंट फैमिली होती है आपस में सबके अच्छे रिलेशंस होते हैं तो बच्चे भी अच्छे रिलेशंस ही बनाते हैं ठीक है थीके? बच्चे भी इरीटेट और अनॉयड फील नहीं करते झगड़ा नहीं करते तो ये अपना जूता पहनता है और घर से निकल जाता है

तो शाम तक मेरा जो गुस्सा था वो कम हो गया था अगर आप मुझसे पूछो तो सच में मैं घर को मिस कर रहा था ठीक है वेन आई रिटर्न द किड्स हैड gone स्लीप माई वाइफ wife स्टिंग बाई ऑल बाई हर सेल्फ एज soon एज सी शॉ मी शी वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट मी फूड इन अ थाली इसकी बीवी अभी भी इसका वेट कर रही थी ठीक है बच्चे सो गए थे और जो ही उसने अपने हस्बेंड को देखा वो किचन में गई खाना लाने के लिए माई एंगर हैड गॉन बट लुकिंग एट हर फेस आई फेल दैट हर एंगर हैड ऑल्सो डिसपेयर्ड मेरा तो गुस्सा चला गया था लेकिन उसकी ओर देख के मुझे लगा कि उसका गुस्सा भी चला गया था अब खाली क्या था बाकी दुख था और रिग्रेट था पछतावा था कि झगड़ा किया ही क्यों इन ऑर्डर टू कीप माई प्राइड मैन ईगो रखने के लिए ये बोलता है आई एम नॉट गोइंग टू ईट आई विल गो विदाउट फूड एंड इट विल बी गुड इफ आई डाई तो ये कहता है मुझे कुछ नहीं खाना बेटर है मैं खाने के बगैर ही रहूँ और ये भी अच्छा होगा कि अगर मैं मर जाऊँ गुड रिडेंस फॉर यू ऑल्सो तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा it was apparent that I had not gone without food, that I had had my fill. ऑन द अदर हैंड शी हैड नॉट ईट इन सेंस मॉर्निंग ये कहते कि उल्टा था कि मैंने तो खा लिया था ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ नहीं खाया था लेकिन इसके अपोजिट में मेरी बीवी सुबह से भूखी थी हर फेस शोड इट इट वॉज़ वैन एंड वीक बट आई केप्ट अप माई मैनली हॉन्ट तो कहते हैं कि इसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी दिख रही थी लेकिन मैंने अपने मेनली जो प्राइड है वो मैंने बरकरार रखा विदहर हैड डाउन शी सेड फीबली बहुत ही कमज़ोर से अपना सर नीचे रख के बोलती है ना कम ऑन प्लीज़ ईट फॉर गिव मेट वॉज माई फॉल्ट मुझे माफ़ कर दो तो मेरी ही गलती थी प्लीज़ खा लो नो आई एम द व टू ब्लेम आई वॉन्ट ईट लीव मी अलोन तो इसके हस्बेंड बोलते नहीं नहीं गलती तो सारी मेरी है मुझे नहीं खाना मुझे अकेला छोड़ दो If you don't eat, how can I eat? Spit out this anger. Why be angry with food? What was said was said. And after all, what is it that I said? You get angry very quickly. I don't know what has happened to you these days. So, baby, hai. लीव इट नाओ कुछ खा लो अपना जो गुस्सा है वो थूक दो और खाने पे क्यों गुस्सा निकालना जो कहा गया कहा गया दॉ पास्ट नाओ और उतना मैंने कुछ कहा भी नहीं था तुम्हें ही गुस्सा जल्दी आ जाता है पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है आजकल ओके नॉट मी अलोन समथिंग हैज़ गॉन एवरी विद यू ऑल्सो इफ यू फाइंड इट Difficult to cope with all this. You should have asked your father to marry you into a well to do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with lovingly fretfulness. All right, now come and have your food. I don't need any bags of rupees. Simultaneously, she caught hold of my arm and made me sit down to eat i had already eaten and had no appetite but i could not hold before this remonstration my fortification had been preached i washed my hand and broke a morsel of chapati she seated herself close by and began fanning me with a hand fan i dipped the morsel morsel of in the vegetable curry and looked at her she appeared to me like the incarnation of sita my hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine she pushed my hand back to my mouth and said oho now eat i pushed my hand again towards her mouth and disregarding her oho forced the morsel into her mouth she grasped not only the morsel but also my finger with her teeth and I hauled out in pain. so यहाँ पर इसके हस्बैंड बोलते हैं कि खाली मेरे साथ ही अजीबो गरीब लाइक मैं ऐसा चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ तुम भी हो गई हो और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इस घर में मेरे साथ तो तुम्हें अपने फादर को बोल देना चाहिए कि तुम्हें एक अच्छे अमीर घराने में शादी कर देते इसमें जो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो ग्लॉसरी में उसके मीनिंग्स हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा जैसे रेमॉन्स्ट्रेटिड का मतलब क्या होता है रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स आर्ग्यू करना प्रोटेस्ट में ठीक है फोफिटिकेशन मीन्स डिफेंस ठीक है डिफेंस में कुछ बोलना ऐसे ही ब्रिस्ट मीन्स टू ब्रेक थ्रू फाइन सो इसके जो हस्बैंड को ये बोलती है कि चलो ये सारी बातें छोड़ो और इन द मीन वायर उसको बोलती है बैठने के लिए इसके हस्बैंड हाथ दो के आते हैं खाने के लिए और जो ही वो यू नो रोटी का एक टुकड़ा डिप करते हैं वेजिटेबल में और उसकी ओर देखते हैं तो उसको लगता है कि जैसे सीता की एक मूर्त यू नो बैठी है मेरे सामने ठीक है सीता है एक, एक, एक ह्यूमन फॉर्म में मेरे सामने ठीक है तो उसका हाथ अपने मुंह में नहीं जाता है तो उसका हाथ टूवर्ड्स वाइफ जाता है ठीक है तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं आप खा लो तो फिर ये ज़बरदस्ती अपनी बीवी के मुँह में वो जो रोटी का टुकड़ा है वो डाल देता है प्लस इसकी बीवी जो है वो खाली रोटी का टुकड़ा ही नहीं बल्कि इसकी उंगली को भी चक मारती है और इसको बहुत ज़्यादा पेन होती है ठीक है शी released my फिंगर इंस्टेंटली एंड सेड in पैनिक क्वाइट द kids विल बी awakened बोथ ऑफ अस बर्स्ट burst into लाफ्टर यानी पहले जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया और दोनों हंस पड़े

बिट्टू को बोलती है कि देखो माँ पापा की जो लड़ाई थी आप अच्छे से हैं फिर से वो फ्रेंड्स बन गए हैं और फिर से उनकी अच्छे से बातचीत होती है वी बोथ लॉफ्ट हाफ एन आवर लेटर वेन आई वॉज हैविंग माई बैथ आई हर्ड मुनी आ सिंगट्टू देर इज द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी इन द स्काई अगेन एंड बिट्टू वॉज यस मुन्नी बट इट्स कलर बट इट्स कलर्स आ ब्राइटर टुडे सो ये कहता है कि जब मैं नहा रहा था तो मुन्नी बिट्टू को बोल रही थी कि देखो अगेन वहाँ पर झूला है गुड्डा गुड्डी का मतलब कि अगेन जो है वो जो सेवन कलर्स का विप गायर है वो नज़र आ रहा है और वो आज उसकी जो लाइट है तो उसका भाई जो बिट्टू है वो क्या कहता है कि आज ये ब्राइटर है दैट मीन्स कि इसके माँ बापा की ऐसा सुलह हो गई है तो दैट इज़ वाई जो गुड्डा गुड्डी का झूला है वो ज़्यादा ब्राइटर दिख रहा है ठीक है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे